एडम्स और ईयू ये कहां से आए थे? ईडन गार्डन, याद करो भारत में एक क्रिकेट ग्राउंड का नाम ये ईडन गार्डन। इसका मतलब है कि इन क्रिश्चियन धर्म के लोगों का कहना था कि एडम्स मतलब उसको दो दो बातें हो सकता है, एक होता है ई हल्लोकवादी, सुना होगा ई हल्लोकवादी, और एक शब्द होता है जिसे कहते हैं परलोकवादी। परलोकवादी सुनिए शब्द, ये इंग्लिश में कहते हैं इसको दिस वर्डलीनेस, इसको कहते हैं दैट वर्डलीनेस, जो इस संसार में रहकर इस संसार की बात करे उसे हम कहते हैं ई लोकवादी। जैसे हम लोग यहां पर रहते तो कहते हैं भाई जो चल रहा है वही सत्य है, मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, उसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। हम मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे कि नर्क में जाएंगे इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। हम इस संसार में रहते हैं इसी लोक की बात करेंगे, इस प्रकार की जिनकी विचारधारा होती है उसे कहते हैं ई लोकवादी। और परलोकवादी किसे कहते हैं, दैट वर्डलीनेस किसे कहते हैं, जो व्यक्ति रहेंगे इस धरती पर लेकिन बात करेंगे दूसरे लोग की। जैसे बहुत लोग कहेंगे कि मरने के बाद हमने अच्छा कर्म किया है तो हमें स्वर्ग मिलेगा, अगर अच्छा कर्म किया है, और अगर गलत कर्म किया है तो क्या मिलेगा, नरक। और हमेशा बात करेंगे कि जैसे अभी एक त्योहार आया था, ये त्योहार आया था जिसका नाम था पितृ विसर्जन, ये माना जाता है कि जब पितर पक्ष का महीना आता है तो इसमें हमारे पूर्वज जो होते हैं वो उस धरती पर आते हैं और उस वक्त उनको दान दक्षिणा करनी चाहिए। दान दक्षिणा किसे करना, ब्राह्मणों को करना चाहिए, पहले के समय चलता था आज भी चलता है, बहुत लोग गौ दान करते थे वो अपना लिए कमाने का साधन बनाए थे। और उस वक्त ये होता है कि उनको क्या किया जाता है, कौवे को भोजन वोजन कराया जाता है, तो कौवे भोजन कराना तो अच्छी बात है, लेकिन ये कहकर कि हमारे पूर्वज आए हैं धरती पर स्वर्ग लोक से, यही लोकवादी बात है, इसे कहते हैं रूढ़िवादिता कहें या इसे कहते हैं परलोकवाद विचारधारा, दैट वर्डलीनेस। तो ये एडम्स जो था ये कहां का था, परलोक का था, और परलोक जो कि इनका घर कहां था एडम्स का, ईडन ऑफ गार्डन जो स्वर्ग है, वहां से धरती पर इन्हें भेजा गया था एक इनके साथ महिला जो थी, स्त्री जो थी इनकी पसलियों से निकाल के बनाई गई थी जिसका नाम था ईयू, ईयू नाम था ईयू। जब इनको भेजा गया तो कहा गया कि धरती पर जाना, धरती पर रहना, लेकिन धरती पर कोई छेड़खानी मत करना। अब ये लोग धरती पर आए, धरती पर आने के बाद एडम्स और ईयू, ईयू ने थोड़ा एडम्स को उकसाया था किसी चीजों के लिए, तो उस वक्त एडम्स आए थे उन्होंने, एडम्स ने धरती पर क्या खा लिया, सेव खा लिया। धरती पर आने के बाद उन्होंने क्या कर लिया, एक सेव खा लिया, और जो सेव था उस सेव खाने के बाद चूंकि उनको ईडन ऑफ गार्डन से गार्ड ने क्या कहा था कि धरती पर जाना लेकिन धरती के किसी भी चीज के साथ छेड़खानी मत करना, अब चूंकि एडम्स धरती पर आने के बाद यहाँ के क्या खा लिए, सेव खा लिए यानी एप्पल, और वो एप्पल जो है गले में अटक गया किसके, एडम्स के, और इसीलिए हमारे जो गले की एक हड्डी है जिसका नाम क्या रखा गया है, एडम्स एप्पल, और खाया किसने था, एडम्स ने, इसलिए ये जो एडम्स एप्पल नामक बोन्स है यानी जो हड्डी है वो केवल किसमें मिलती है, पुरुषों में मिलती है, और इसलिए पुरुषों की आवाज थोड़े मोटे होते हैं, और चूंकि ईयू ने नहीं खाया था तो यानी लड़कियों के पास ये हड्डी नहीं मिलती है। और एक चीज याद रखना, ये जो एप्पल्स खाया था ना इसका विज्ञापन आजकल एप्पल कंपनी करती है, तुम लोगों ने एप्पल कंपनी में एप्पल का चिन्ह देखा होगा, एप्पल बना रहेगा और एप्पल बनने के बाद देखना उसमें थोड़ा सा क्या रहता है, कटा हुआ रहता है, थोड़ा सा क्या रहता है, कटा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि वो वही सेव है जिसको एडम्स ने पहली बार खाया था, ये मतलब वही सेव है जिसको एडम्स ने सबसे पहली बार खाया था, ये उसी एप्पल का प्रचार करते हैं एडम, क्योंकि उनकी अपनी रूढ़िवादिता, जैसे हमारे भारत में रूढ़िवादियों के अलग प्रचार है, अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं, उसी तरीके से इनका अपना अलग प्रचार है कि एडम्स ने उस सेव को खाया तो उसी सेव का प्रचार करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि एडम्स ने सेव खाया
और अब उनके गार्ड को पता चल गई, उसके गार्ड ने श्राप दिया, यानी एडम्स के पिता को पता चला, जो ईडन ऑफ हेवन में रहते थे उनको पता चला कि एडम्स ने धरती पर आने के बाद सेव खा लिया है। उसने ईडन ऑफ हेवन से उनको क्या किया, श्राप दिया कि चूंकि जो तुमने यहाँ के राजा की बात नहीं मानी है इसलिए तुम्हें यह श्राप दिया जाता है कि तुम अब आने वाली तुम अब अपना जो बाकी जीवन है कहाँ बिताओगे, धरती पर बिताओगे, अर्थ पर बिताओगे। और अर्थ का मतलब है कि एक प्रकार से एडम्स के लिए अर्थ क्या हुआ, श्राप हुआ। क्योंकि हम मानो इन कैथोलिकों को कहना है कि हम मानो कहाँ के व्यक्ति वासी हैं, ईडन ऑफ हेवन के वासी हैं, और हमें धरती पर क्यों आ गए भाई, क्योंकि एडम्स को श्राप मिल गया कि तुम इस धरती पर रहोगे, यानी अब ये धरती पापियों का लोग हो गया। धरती किसका लोग हो गया, पापियों का लोग, सीन पर्संस जैसे कहते हैं। अगर इस लोक से तुम्हें मुक्ति चाहिए तो वो मुक्ति दिलाने का जो ईडन ऑफ गार्डन जो ईश्वर का लोक है और इस धरती के बीच में जो बीच में इंटर रिलेशन का कार्य करते हैं, जोड़ने का जो कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं चर्च में बैठे हुए पोप्स। अब वहां के व्यक्तियों को ये तर्क इतनी अच्छी लगी कि सच में पहला व्यक्ति एडम्स था, इसी एडम्स को इस्लाम धर्म में अपना जो पहला व्यक्ति मानते उसी को एडम्स को आदम कहते हैं वो लोग इस्लाम धर्म में ना, तो जो हमें भारत में बहुत बार चर्चा में रहता है ना कि ये गाना किस जमाने का, तो कहते बाबा आदम के जमाने का, तो ये आदम इसी एडम्स को कहता है, फारसी भाषाओं में इसे आदम कहते हैं, अरेबिक भाषा में एडम्स को आदम कहते हैं, और इसी को एडम्स को ही यहूदी धर्म में अलग नाम से जाना जाता है, आदम्स को वो लोग कहते हैं एडम्स, याद नहीं आ रहा है, बाद में बताएंगे। तो इसका मतलब क्या समझा है कि हम लोग जिस लोक में रहते हैं ये पापियों का लोक है, और पापियों के लोक से तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम्हें किसको दान दक्षिणा और किन की बातों को मानना होगा, इन पोप्स की बातों को मानना होगा। और उस तरीके से वहां के व्यक्तियों ने अपने आप को इस पापी लोक से मुक्ति दिलाने के लिए इन पोप्स की गुलामी में लग गए, जस्ट हमारे भारत की तरह। जैसे ये कहते हैं ब्राह्मण कहते हैं हमारे यहाँ पे जो पहले के लोग थे ब्राह्मण, ये कहते थे कि आओ 10 रुपए दान दक्षिणा करो, तुम्हारे ऊपर शनि ग्रह मंगल ग्रह के प्रकोप है, तुम्हें इससे मुक्त कराते हैं। अब एक बात जरा सोचना, तुम्हें अगर तर्क होता तो ग्रह कितना दूर है, उन पंडित जी से बस एक बार पूछ लिया करो कि भाई बता दो कि ग्रह कितने दूर है हमसे, अगर वो सही सही दूरी बता दें तो उनको बदलने की ये बात कर सकते हैं। अभी कौन सा ग्रह नक्षत्र बदलते हैं इनसे एक बार पूछना होगा। तो भारत में नौ ये सब तो यूरोप में समाप्त हो गया 15वीं 16वीं शताब्दी में, नौ जागरण तो हो गया। भारत में माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में नौ जागरण की शुरुआत हुई थी जब राजा राम मोहन राय साहब थे तब, लेकिन मेरा मानना है कि भारत में नौ जागरण आज भी नहीं हुआ है। मैं उसके कुछ तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, भारत में नौ जागरण का आज भी भारत नहीं हुआ, उसके एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन पहले इनको समझ लेते हैं। अब एडम्स और यूव से पता चल गया कि भाई हम लोग इन्हीं के वासी हैं, तो इनसे मुक्त कराने के लिए यूरोप वासियों को मूर्ख बना करके लोगों को बस चर्च में पढ़ाते रहते थे, चर्च में ही दिन भर ध्यान मग्न करवाए रहते थे। और इनका कहना भाई पृथ्वी की रचना कैसे हुई, तो इन्होंने कहा कि देखिए पृथ्वी की रचना वो हमारे किसने की, गॉड ने किया, किसने किया, गॉड। और ये गॉड जो है कितने दिनों में निर्माण किए थे, 7 दिनों में निर्माण किए थे इस पूरे यूनिवर्स के। 6 दिन तक लगातार काम किया था ईश्वर ने, हर जगह महासागर पृथ्वी हवा वायु जीवन सब कुछ बनाया 6 दिनों में। और जब 7वें दिन खाली हुए तो 7वें दिन ईश्वर ने पूरी रचना करने के बाद आराम किया था। 7वें दिन क्या किया था, आराम किया था। और वो 7वां दिन जो था वो संडे का दिन था, यानी हॉलीडे था। कौन सा दिन है, हॉलीडे। तो इसलिए उनका कहना है कि हॉलीडे में हमें ईश्वर की क्या करनी चाहिए, गुणगान करनी चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इसको हॉलीडे मान के इस दिन यूरोप में छुट्टी मनाते हैं। और हमारे देश में तो जानते हो संडे 1843 में एलन बरो था, उसने इसकी शुरुआत की थी 1843 में, सबसे पवित्र दिन माना जाता है। आज भी संडे है, और हमारे भारत में आज भी संडे की छुट्टी चली रहा है क्योंकि इन्होंने अपने ईसाइयों को पूरी दुनिया में फैलाया रूढ़िवादिता को, और शुरुआत भी नहीं हुआ था पहले। अब
ये है कि क्या ठीक है यहाँ पर तो ये रूढ़िवादिता थी, तो भारत में कौन कौन सी रूढ़िवादिता है भाई जो आज भी है। भारत में नवजागरण किताबें तो कहती हैं कि हो चुका है, लेकिन मेरा कहना है कि नवजागरण आज भी नहीं हुआ है, वो मैं तुम्हें ऐसे भी बता रहा हूँ। जैसे एक सबरीमाला मस्जिद का नाम सुना है, सबरीमाला मंदिर मस्जिद नहीं है, सबरीमाला मंदिर है, ये केरल में बहुत मुद्दा चर्चा में रहा था कि 2 साल पहले सबरीमाला मंदिर। इसमें ये कहा गया है कि एक लड़की महिला जो 10 वर्ष प्लस हो जाएगी, 10 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम अगर होगी, उसे मंदिर में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश नहीं कराया जाएगा। अब चूंकि इनमें जो मंदिर में बैठे हुए जो ब्राह्मण है, इन रूढ़िवादियों का कहना है कि 10 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में महिलाओं का क्या चलता है, मासिक धर्म, जिसे मेंस्ट्रुअल सर्किल बोलते हैं या एमसी चक्र बोलते हैं, मासिक धर्म चलता है। मासिक धर्म में महिलाएं क्या हो जाती हैं, अशुद्ध हो जाती हैं। अब इनका कहना है कि मासिक धर्म में महिलाएं क्या हो जाती हैं, अशुद्ध हो जाती हैं, यानी धर्म भ्रष्ट हो जाती हैं इनके हिसाब से, इन मंदिर में बैठे हुए पुजारियों के हिसाब से। तो पुजारी से पूछना चाहिए तुम पैदा कैसे हो गए, अगर ये महिला में ना चले तो बच्चा कोई पैदा होगा ही नहीं, तो ये उस पंडित से फिर तुम पैदा कैसे हो गए भाई, तुम खुद ही एक जब अशुद्ध व्यक्ति से पैदा हुए तो तुम भी अशुद्ध होते। और दूसरा इनका कहना क्या है पंडितों जी का, कि हमारे जो भगवान अयप्पा है, भगवान अयप्पा यानी वो जो मंदिर है सबरीमाला में, वो किस भगवान की मूर्ति है, अयप्पा भगवान की है। अयप्पा कौन है भाई, तो एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जब समुद्र से अमृत निकाले गए थे, तो उसमें अमृत को बांटने के लिए विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर आया था। इसीलिए केरल में देखना, केरल में मोहिनी अट्टम भी होता है, क्योंकि वो मोहिनी वही है जहां पर आके विष्णु भगवान नाचे थे मोहिनी के रूप में, इनके हिसाब से इसीलिए मोहिनी अट्टम का भी शुरुआत वहीं पर हुआ। अब जब वहां पर आए थे तो महिला के रूप मोहिनी के रूप में, तो इनको देखकर खुश कौन हो गए, प्रसन्न बाबा भोलेनाथ, मोहिनी को देखकर, मोहिनी कौन, विष्णु। अब चूंकि विष्णु को बाबा भोलेनाथ का भी मन खुश करना था, अब भाई मोहित हो गए हैं। भारत में तो यही कहा भगवान भी महिलाएं देखकर खुश हो जाते थे, और उनके जो भक्त होंगे कहेंगे कि हमारे जो भगवान थे वो ब्रह्मचारी थे। अब वो जो मोहिनी पर प्रसन्न हुए थे कौन, बाबा भोलेनाथ, तो उनके साथ लैंगिक संबंध बनाए, यानी विष्णु के साथ जो मोहिनी रूप में थे, तो बाबा भोलेनाथ विष्णु की क्या हो गए, पत्नी हो गए, उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उनका नाम था अयप्पा। अब इनमें से कुछ रूढ़िवादियों को मेरी बात बुरा भी लग सकता है, लेकिन बात तो यही सही है, अब उनको बुरा लगे अच्छा लगे मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो अयप्पा वही उन्हीं के पुत्र हैं, यानी विष्णु और बाबा भोलेनाथ के, और इनका जो बच्चा है, इनका जो लड़का है, ये क्या है, ये एक प्रकार से हो गए क्या बोलते हैं उन्हें, जो अरे भाई उनको क्या कहते हैं, जो विवाह नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, कहते हैं ब्रह्मचारी। अब इन ब्राह्मणों का कहना है कि हमारे जो ईश्वर है वो क्या है, ब्रह्मचारी है, इसलिए महिलाओं को वहां पे आना क्या है, निषेध। अब मेरे सामने यहाँ पर दो सवाल उठता है, एक तो महिलाएं अगर मंदिर में जाती हैं तो यही मूर्खता की बात है कि जब भगवान कड़कड़ में है, हर जगह है, ईश्वर हर जगह है, तो उन्होंने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, झील झरने पहाड़ बनाए हैं, इतने बढ़िया जंगल बनाए, वो तो हर जगह उपस्थित होंगे, उन्हें मंदिर में जाने की जरूरत ही क्या है। और दूसरा चीज, ये तो महिलाओं की गलती है, दूसरा इन मंदिर में बैठे हुए इन ब्राह्मणों का गलती क्या है, कि भाई अब समानता का अधिकार है, पुरुष महिला एक समान है, पहली बात अगर महिलाओं में अगर ये मासिक धर्म चलेगा ही नहीं तो बच्चा पैदा होगा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त ओवम का निर्माण नहीं होगा, तो इसका मतलब दोनों बातें जो है एकदम से मूर्खता भरी है। अब अगर वर्तमान में हमारे देश में इस पर सुप्रीम कोर्ट को आके फैसला देना पड़ रहा है, सरकार को फैसला देना पड़ रहा है, और इसमें व्यक्ति आपस में उलझ रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग मूर्ख हैं आज भी। अगर बुद्धिजीवी होते तो इन सब मामलों को तो ऐसे ही दफा दफा कर देना चाहिए था, कि महिलाएं कहती कि ठीक है जाओ मंदिर रखे रहो बराबर, पंडित जी फिर खुद कुछ दिन बाद, जब कोई मंदिर में जाता ही नहीं, चंदा उतरता ही नहीं, तो पंडित जी खुद कुछ दिन बाद कहते कि भाई हमारे भगवान अब अयप्पा है, अब ब्रह्मचारी नहीं रह गए, अब ये शादीशुदा होना चाहते हैं, वो खुद ही कहते।
ये जो तर्क की बातें हैं तो भारत में भी आज भी नहीं हुआ, मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो बहुत सी एग्जांपल है। और एक मैं बता रहा हूं, एक और था केरल से, केरल जो आज इतना शिक्षित है ना, केरल आज इतना शिक्षित है तो केरल के लिए शिक्षित होने के कारण है, जो जितनी परेशानियां झेलेगा वो उतना अधिक शिक्षित होगा। एक और पहले केरल का जो एक राज्य हुआ करता था केरल पहले, उसको कहते थे त्रावणकोर। वहां पर एक ब्राह्मण रहा करते थे, उन ब्राह्मणों को कहते थे नंबूदरी ब्राह्मण। ये तुम खोलोगे तो तुम्हें नेट पे मिल जाएगा, नंबूदरी ब्राह्मण वाइकोपीडिया पे मिलेगा ये नंबूदरी ब्राह्मण। ब्राह्मणों को उस वक्त वहां कहते थे नंबूदरी ब्राह्मण। इन्होंने वहां पर एक टैक्स लगाया था, मैं बुरी बात तक बता रहा हूं, जरा भारत में ना टैक्स लगाया था, उस टैक्स का नाम था ब्रेस्ट टैक्स। ब्रेस्ट टैक्स हिंदी में कहे तो मूलाकरम कहते थे, मूलाकरम। इस टैक्स में ये होता था कि जो नीची जात की महिलाएं होती थी या जो लड़कियां होती थी नीची जात की छोटी जात की, उन लोगों को अपने स्तन ढकने का अधिकार नहीं होता था। स्तन समझ रहे हो, एक महिला के स्तन को ढकने का अधिकार नहीं होता था। त्रावणकोर इसी केरल की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर आज साक्षरता इतनी उच्च है, और ये नियम लगवाया था कौन, ब्राह्मण। अगर कोई निम्न जाति की महिलाएं अगर अपने स्तन को ढकेंगी तो उन्हें उन्हें स्तन के साइज के हिसाब से टैक्स देना होगा। अब जरा ये सोचो कि ये जो ब्राह्मण है जो अपने आप को ब्रह्मचारी भी कहते हैं, ये कितने घटिया टाइप के, ये खुद जाकर के साइज को नापते थे कि इसका स्तन इतना साइज का है इसलिए इस पर टैक्स इतने लगाए जाएंगे। आज इसकी कल्पना मात्र करके तुम्हें लग रहा होगा कि कैसी गंदी बातें कर रहे हैं, मुझे करने ये बातें पढ़ाने में मुझे उतनी खराब नहीं लग रही है। सोचो ये नियम हमारे यहाँ लागू करने वाले नमूदरी ब्राह्मण जो आज भी हैं और आज भी अपनी उसी प्रथा को लागू करना चाहते हैं, इनको समझना पड़ेगा, हम लोगों को नहीं समझना पड़ेगा, हमारा तो कर्तव्य पढ़ना और पढ़ाना, लेकिन इनको तो समझना चाहिए ना, इनको शर्म आनी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्थाएं चलती थी। इसी में एक महिला थी जिसने इसका विरोध किया था, उस महिला का नाम था नांगेली। तुम अगर सर्च करोगे तो नेट पे तुम्हें नांगेली का पूरा फोटो इसे बना हुआ आएगा। इस नांगेली नामक महिला ने क्या किया था, पहली बार इस टैक्स को देने से मना किया और कहा कि मैं अपने स्तन को ढकूंगी, नांगेली ने कहा, क्योंकि विवाहित महिला हो चुकी थी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें अपने स्तन ढकने हैं तो क्या करना होगा, तुम्हें टैक्स देना होगा। सोच रहे हो बात को, कितनी अजीब सी बात है ये। हम उसी देश की बात कर रहे हैं जहां पर हम लोग कहते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे महान देश है, ये वहां की बातें हैं, केरल की बात। भारत को करने कहते हैं हमारा भारत का इतिहास बहुत महान है, इतनी घटिया चीजों से भरी हुई है भारत का इतिहास। बहुत सी रूढ़िवादिता है, परंपराएं, मैं उसको बात करूंगा इस पर, बहुत से जितनी भी परंपराएं, जब भारत के इतिहास शुरू करूंगा तो इन सभी बातों को हम उसमें डालेंगे, लेकिन समय पे सब आएगी। तो अब नांगेली ने कहा कि मैं टैक्स दूंगी, और वो एक हफ्ता बीता तो ये नंबूदरी ब्राह्मण, ब्राह्मण एक जाति थी वहां पर, जैसे आज भी गोत्र चलता है ना वहां पर नंबूदरी ब्राह्मण, ये टैक्स लेने के लिए पहुंचे। अब वो चूंकि एक निम्न जाति की महिला थी, इसके पास बेचारी के पैसे नहीं थे कि ये टैक्स दे सके, तो ये घर में गई और हसिया से अपने दोनों स्तन काट करके लेके आई और उस ब्राह्मण के हाथ पर रख दिए। और जब स्तन कट गए तो इसका मतलब है कि ये महिला का तो मरना क्या है, तय है, ब्लड उस वक्त इतना अधिक ब्लड निकला वो बेचारी मर गई। फिर केरल में क्या शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाया बाद में ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स ने इस नांगेली के परिवारों के साथ सहयोग योग की भावना दिखाई और इस समाज को बदलने की बात दिखाई। तो सब बाद में केरल उरल में देखना, केरल में सिर्फ क्रिश्चियन ज्यादा हैं क्योंकि वहां पर रूढ़िवादिता ज्यादा थी। नमूदरी ब्राह्मण इतने अत्याचार मचा रखे थे हिंदू धर्म में केरल में, इस्लाम धर्म में उसी लिए देखना, केरल में मुस्लिम भी ज्यादा मिलेंगे और तुम्हें क्रिश्चियन भी, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार मचा रखा था। तो उन लोगों के सामने एक ही ऑप्शन था, या तो वो अपना धर्म त्याग दें या तो इसका विरोध करें, क्योंकि वो विरोध भी नहीं कर सकते थे ज्यादा, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण शक्तिशाली थे पैसे से। वहां पर ये सब बातें, तो ये सब समझना रूढ़िवादिता, ऐसे ही यूरोप में रूढ़िवादिता थी, चर्च वाले भी ऐसे ही करते थे, वहां पर एक से बढ़कर एक अत्याचार करते थे। तो
अब समझ में आई मेरी बात कि हम लोग इसी व्यवस्था से बाहर निकलना, यानी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, इन प्रकार की व्यवस्थाओं से बाहर निकलना ही कहलाता है नवजागरण। नए तरीके से जागेंगे अब हम लोग, ये जो प्रथाएं हैं, जो रूढ़िवादिता है, इनको हम समाप्त करेंगे। तो यूरोप में इसी को कहते हैं नवजागरण, या जो पहले वहां के लोग, मैंने जो कहा अरस्तु इस सबका समय जो था उसके जैसे जागरण, उसे कहते हैं पुनर्जागरण। नए तरीके से जागना या पुनर्जागरण, इसे कहते हैं नवजागरण या पुनर्जागरण। तो बातें मैं बस आज इतनी समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बातें डिटेल में हुई है तो काफी लंबा समय हो गया है। अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो फिर बताना, इसका सेकंड वीडियो जरूर जल्दी बनाएंगे, फिर इस पर आधारित इसको ऐसे ही पढ़ना। अगर लंबे समय तक याद रखना है तो इतिहास को इतिहास की तरह ही पढ़ना, विश्व इतिहास, नहीं तो बस दो चार लाइन रट लोगे कि पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागना, और फिर उसके बाद रख लिया तुमने कि इसकी शुरुआत इटली से हुई थी और लियो दांतेस ने किया था, तो इतनी बातें बस याद कर ले। मान लो कि तुम्हें लिखने के लिए क्वेश्चन आंसर आ गया तो लिखोगे कैसे, तुम्हारे मन में बातें कहानी अगर याद रहेगी तो लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग अंधकार, अब कल पढ़ेंगे हम लोग ये अंधकार का युग कहा जाता है, ये जो समय था नहीं, जो हमने कहा कि जब से ईसाई धर्म शुरू हुआ 14वीं 15वीं शताब्दी, इसे कहते अंधकार का युग कहा जाता है, यानी कि डार्क एरा या डार्क एज कहा जाता है इसे। इससे बाहर निकलना ही नव जागरण पुनर्जागरण। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।